कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारतीय मानक ब्यूरो की वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। और ये जो रिक्रूटमेंट आई है इसमें कुल पद हैं 337 और इसमें ग्रुप ए बी सी तीन टाइप के पोस्ट हैं, जिसमें ग्रुप ए जो है दोस्तों वो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नहीं है बल्कि वो डेपुटेशन बेसिस पे है। लेकिन बी और सी ग्रुप के जो पोस्ट हैं जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं उसमें आप भी भर सकते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल्स हम वीडियो के आगे पार्ट में जानेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स मैं और भी लाता रहूँगा। और जो भी आपको क्वेरीज रहेगी वो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल्स जानते हैं। तो दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई है, भारतीय मानक ब्यूरो भर्ती 2022। तो इसमें जो पोस्ट नेम है दोस्तों वो ग्रुप ए बी और सी यानी कि तीनों ग्रुप में इसकी भर्ती होगी। और इसका जो पे स्केल रहेगा दोस्तों लेवल 12 से लेकर के लेवल 2 तक, और ये पोस्ट वाइज होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2022। इसमें कुल वैकेंसी है 337। जॉब नेचर परमानेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। जॉब लोकेशन दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगी दोस्तों वो 19 अप्रैल 2022 को शुरू होगी। अप्लाई मेथड है ऑनलाइन ही करना है, आपको ऑफलाइन मोड में नहीं करना है। कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा करके इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है। तो दोस्तों ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जिसे BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो भी कहा जाता है, एक वैधानिक बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए जिम्मेदार है, इसके जो भी एक्टिविटीज होती हैं खास करके जो मानकीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो भी कुछ वस्तुएं होती हैं जैसे प्रोडक्ट वगैरह है, सिस्टम सर्टिफिकेशन हो गया, हॉल मार्किंग हो गया गोल्ड और सिल्वर का, ज्वेलरी का, लेबोरेटरी टेस्टिंग का, और भी कई क्षेत्रों में यह मानकीकरण प्रदान करती है पूरे भारत में, ठीक है। तो इसने ही एप्लीकेशन इन्वाइट किया है, और वो जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है और डेपुटेशन बेसिस पे है। और इसका जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है वहाँ पर भी इस कार्य करना पड़ सकता है, और इससे जो अटैच्ड ऑफिस है पूरे भारत में वहाँ पर भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये ग्रुप ए की जो पोस्ट है दोस्तों ये पूरी तरह से डेपुटेशन बेसिस पे फिलअप की जाएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्टर का पूरा पोस्ट है जो लेवल 10 है 12 का है, और ये इसका जो एज भी है वो 56 ईयर्स में है और किसी में 35 ईयर्स है। तो ये पूरा जो है वो डेपुटेशन बेसिस पे भरा जाएगा, यानी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा। लेकिन ग्रुप बी का जो पोस्ट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि ये कोई भी भर सकते हैं जो अगर इसके क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं वो इस वैकेंसी को भर पाएंगे। जिसमें आप देखें पर्सनल असिस्टेंट जो लेवल 6 का है दोस्तों, इसकी जो एज है वो 30 ईयर्स है, और उसके बाद देखें असिस्टेंट सेक्शन जो ऑफिसर का है तो उसमें देखें 30 ईयर्स है, तो ये भी आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में देखें तो ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, 30 ईयर्स इसकी एज है, और इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट की संख्या आप देख ही सकते हैं। ग्रुप सी के पोस्ट में अगर हम देखें तो ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भरा जाएगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जो लेवल 4 का है दोस्तों, 27 वर्ष इसकी कट ऑफ एज है। उसके बाद सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 4 का ही है, ये भी 27 वर्ष तक का है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो लेवल 2 का है दोस्तों, 27 वर्ष, और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर इसकी लेवल 2 है, यानी 27 वर्ष तक इसकी भी कट ऑफ एज है। तो ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं यहाँ पे लगभग अच्छी खासी पोस्ट है, खास करके सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट में तो 100 पोस्ट है जनरल में, और टोटल तो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी पोस्ट है, अगर आप इसमें से जो भी एलिजिबल हैं आप भर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट में अगर हम देखें तो ये लेवल 6 का पोस्ट है, और 30 ईयर्स इसमें भी एज की कट ऑफ है, और इसमें जिसमें देखिए मैकेनिकल है, केमिकल है एंड माइक्रोबायोलॉजी का है, यानी डिसिप्लिन आपको होना चाहिए। अगर इसमें से कोई डिसिप्लिन है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं।
ये ग्रुप बी का पोस्ट है, लेकिन ग्रुप सी का पोस्ट यहाँ पर भी है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा, जिसमें सीनियर टेक्नीशियन है और लेवल 4 है दोस्तों, 27 वर्ष इसकी कट ऑफ एज है, जिसमें देखिए कारपेंटर कह सकते हैं, उसके बाद बेल्डर है, प्लम्बर है, फीटर है, टर्नर और इलेक्ट्रीशियन, तो ये सब जो ITI ट्रेड से जुड़े हुए हैं पोस्ट हैं, तो यहाँ पर भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा, ठीक है, और कोई अदर मोड एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होगा वो आपको बताया ही मैंने, 19 अप्रैल 2022 से शुरू होगा 12 बजे जो मिडनाइट को होता है और 9 मई तक चलेगा। तो इसके लिए आप वेबसाइट पर जाइए और इसे अच्छे तरीके से पढ़िए, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उसके बाद आप फुलफिल करते हुए क्राइटेरिया को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अन्य जॉब अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।